सो हेलो गाइस, स्वागत है हमारे चैनल में। इसका नाम द स्पोर्ट्स, यहां बोलता है फुटबॉल से सारे ट्रांसलेट और ट्रांसलेट रिमोस। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात करते हैं यूरो 2021 के बारे में। तो कल था यूरो 2021 का पहला मैच, इटली वर्सेस टर्की, एंड इटली ने लिटरली इस मैच में एक बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, मतलब कंप्लीट डोमिनेशन हम लोग बोल सकते हैं। एंड इटली का ओके बरेला ने लिटरली मिडफील्ड को पूरा अकेला डोमिनेट किया है, एंड बिराडी का परफॉर्मेंस भी काफी ज्यादा अच्छा था मैं बोलूंगा। एंड स्पिनोजोला ने लिटरली एक बहुत ही एग्रेसिव प्ले दिखाया, एंड उनका रोल थोड़ा सा डिफेंसिव था मैं मानता हूँ, बट उन्होंने विंग का भी काम बहुत अच्छे से किया। एज अ विंगर भी उन्होंने कमाल का परफॉर्मेंस दिखाया, एज अ एक्स्ट्रा विंगर हम लोग बोल सकते हैं उन्होंने रोल प्ले किया है। एंड चिलीन का परफॉर्मेंस तो था ही बहुत कमाल का, डिफेंस में इमोबिले और इंजागी इन दोनों प्लेयर्स ने गोल किया है और एक गोल ओन गोल हुआ है। और ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो टर्की का परफॉर्मेंस बहुत ही बिलो एवरेज था, वो लोग प्रॉपर से अटैक कर ही नहीं पा रहे थे, इटली का डिफेंस उतना मौका दे ही नहीं रहा था। एंड इटली ने जिस लेवल का अटैक किया है उस लेवल का अटैक बहुत ही कम देखने को मिलता है। एंड कमाल का लगा ये मैच देखने में, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा ये मैच देखने में, क्योंकि एक बहुत ही अटैकिंग फुटबॉल हो रहा था एंड टर्की ने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया इस मैच में। सो इटली के लिए ये टूर्नामेंट बहुत ही अच्छे से शुरू हुआ है, 3-0 का विन टर्की के अगेंस्ट में, एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया विन। एंड प्लेयर्स के अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, एंड ओवरऑल इटली का टीम परफॉर्मेंस भी काफी ज्यादा अच्छा था। एंड उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट मैचेस में इटली का परफॉर्मेंस इससे भी ज्यादा बढ़िया हो। सो अब बात करते हैं आज के मैच के बारे में। तो आज बेसिकली तीन मैच है यूरो में। सबसे पहला मैच है 6:30 बजे, उसके बाद है 9:30 बजे, एंड उसके बाद है रात के 12:30 बजे, एंड सबसे लास्ट में जो मैच है, मतलब 12:30 को जो मैच है वो सबसे बढ़िया मैच है, बेल्जियम वर्सेस रशिया। बेल्जियम वर्ल्ड नंबर 1 करेंटली, एंड रशिया हम लोग थोड़ा सा अंडरडॉग्स उनको बोल सकते हैं, बट उनका परफॉर्मेंस भी वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा रहा था, एंड उनका टीम भी काफी बढ़िया टीम है। सो हल्के में लेने वाला चीज नहीं है ये। एंड बेल्जियम के लिए थोड़ा सा जो खराब चीज है कि केविन डी ब्रुइने इस मैच में नहीं खेलेंगे, बट कोई बात नहीं, उनके पास रोमेलु लुकाकू जैसे कमाल के इनफॉर्म स्ट्राइकर एंड मिडफील्ड और भी बहुत सारे प्लेयर्स है उनके पास। डिफेंस बेल्जियम का बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट डिफेंस है, एंड मिडफील्ड में बहुत सारे क्रिएटिव प्लेयर्स है। ऑफकोर्स केविन डी ब्रुइने का कमी कहीं ना कहीं तो दिखाई देगा, बट बेल्जियम इस मैच में बहुत ही ज्यादा बड़ा अपर हैंड रखते हैं, एंड उम्मीद करते हैं कि बेल्जियम ये मैच इजीली जीत जाए। बाय द वे, आपको क्या लगता है ये मैच कौन जीतेगा? अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। सो हेलो गाइस, आई एम श्योर कि आपको पता है कि मुझे क्रिकेट मैचेस देखना एंड उनको एनालाइज करना कितना ज्यादा पसंद है। एंड रिसेंटली मुझे कमाल का स्पोर्ट्स फैंटेसी ऐप के बारे में पता चला, जिसका नाम है माई 11 सर्कल, जहां पे आप अपने क्रिकेट के नॉलेज एंड स्किल से बहुत सारे बड़े बड़े प्राइजेस जीत सकते हो। एंड माई 11 सर्कल में गेम खेलना बहुत ही ज्यादा ईजी है, आपको बस 11 प्लेयर्स चूज करना है फ्रॉम आइदर ऑफ द टू प्लेइंग टीम, एंड आपका खुद का एक टीम बनाना है। एंड इस ऐप का जो सबसे ज्यादा यूनिक फीचर है कि यहाँ पे लिटरली आप चैंपियंस के साथ खेल सकते हो, लाइक वीवीएस लक्ष्मण, सौरव गांगुली, अजिंक्य रहाणे, वॉटसन एंड राशिद खान जैसे प्लेयर्स के साथ आप हेड टू हेड में खेल सकते हो। एंड सिर्फ यही नहीं, यहाँ पे आपको 1500 का वेलकम बोनस भी मिलेगा, एंड एक्सक्लूसिवली सिर्फ मेरे इस चैनल के व्यूअर्स के लिए। यहाँ पे आपको 20% एक्स्ट्रा कैश भी मिलेगा ऑन योर फर्स्ट डिपॉजिट, आपको बस डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक में क्लिक करना है, एंड आपको पिंट कमेंट में भी वो लिंक मिल जाएगा, एंड आप जैसे ही उस लिंक से आप ऐप को डाउनलोड करोगे आपको 20% कैशबैक मिल जाएगा। एंड यहाँ पे आप जितने भी विनिंग से बहुत ही इजीली अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो, एंड ये बहुत ही ज्यादा सिक्योर है। एंड यहाँ पे कुछ विनर्स है जो कि माई 11 सर्कल खेल के करोड़पति बने, एंड किस बात का वेट कर रहे हो, डाउनलोड करो माई 11 सर्कल को डिस्क्रिप्शन में, एंड पिंट कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, एंड मेक योर टीम नाउ। दिस गेम्स इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एंड एट योर ओन रिस्क। तो अब बात करते हैं इंडियन फुटबॉल के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं उमित सिंह के बारे में। तो उमित सिंह को मिल चुका है ओसीआई कार्ड। तो बेसिकली ओसीआई कार्ड होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड, एंड एक और साल चाहिए सिर्फ उमित सिंह को, एंड उसके बाद उमित सिंह इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम का होके खेल सकते हैं, एंड एक और साल चाहिए पेपर वर्क के लिए, एंड थोड़ा सा काम होता है वहां पे, एंड उसके बाद उमित सिंह इंडिया के लिए खेलेगा, जो कि काफी ज्यादा अच्छा बात है। बट मेरे हिसाब से रादर देन ओवरसीज प्लेयर, हम लोग को इंडियन प्लेयर्स जो कि इंडिया में ही खेल रहे हैं उनके ऊपर ज्यादा फोकस देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी सच है कि हाँ, ये प्लेयर्स इंडिया का जो फुटबॉल स्टैंडर्ड है वो काफी बढ़ा देंगे, बट एक शॉर्ट टाइम के लिए। फुटबॉल को हम लोग को एज अ होल डेवलप करना है, ना कि एक शॉर्ट टाइम के लिए डेवलप करना है। सो हाँ, इसे हो सकता है कि उमित सिंह जैसे प्लेयर्स जब आएंगे एंड इंडिया को एक परफॉर्मेंस देंगे, लोग और ज्यादा इंस्पायर्ड होंगे, एंड फुटबॉल को एक ओवरऑल सपोर्ट मिलेगा।
हर तरीके से। एंड ये सच बात है कि आज भी लोकल फुटबॉलर्स को उतना सपोर्ट नहीं दिया जाता। एंड हम सबको पता है कि लोकल फुटबॉल ही अच्छे अच्छे प्लेयर्स को पिक करते हैं, उनको डेवलप करते हैं। एंड अगर वहाँ पे प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिलता तो हम लोग को शायद कुछ बड़े बड़े प्लेयर्स कभी नहीं मिलते। तो हाँ, वो काफी इंपॉर्टेंट है। बट हाँ, उमित सिंह का ये चीज काफी ज्यादा सही है। एंड उम्मीद करते कि उमित सिंह जल्द से जल्द इंडियन नेशनल टीम का खेले सुरक्षित तौर पर एफसी गोवा की तरफ से। तो एफसी गोवा के लिए खराब न्यूज कि डियोनी एफसी गोवा में नहीं आने वाले, क्योंकि डियोनी को अभी डर है कि करेंटली इंडिया का जो सिचुएशन है उसको देखते हुए डियोनी इंडिया में भी नहीं आना चाहते। एंड इसीलिए उन्होंने एफसी गोवा का जो ऑफर था उसको ड्रॉप कर दिया है। एंड डेफिनेटली एफसी गोवा के लिए थोड़ा सा सेटबैक है, बट एफसी गोवा के पास और भी बहुत सारा ऑप्शन है। एंड एफसी गोवा के मैनेजमेंट के लिए एक्चुअली उनको लगा था कि डियोनी इज द परफेक्ट ऑप्शन फॉर एफसी गोवा करेंटली, एंड एक परफेक्ट रिप्लेसमेंट है इगोर एंगुलो का, एंड एक टीम में प्रॉपर बैलेंस भी वो लाएंगे। एंड करेंटली एक्चुअली डियोनी ने कोरो को रिप्लेस किया है एथलेटिक बेलारस में, एंड उन्होंने ऑलरेडी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया एथलेटिक बेलारस के साथ। बट जो भी एफसी गोवा के लिए थोड़ा सा सेटबैक, बट बहुत ज्यादा टेंशन लेने वाला बात है नहीं, क्योंकि एफसी गोवा के पास ऑफकोर्स बहुत सारे और ऑप्शन है। एंड अब थोड़ा सा बात फिर से न्यूट्रल में आ चुका है कि क्या एफसी गोवा एक स्पेनिश स्ट्राइकर को ही लाएंगे या फिर वो कोई एशियन स्ट्राइकर लाएंगे। सो बात अगेन फिर से जीरो में आ चुका है, एंड फिर से उनको नए तरीके से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि एफसी गोवा ने उम्मीद नहीं किया था कि डियोनी सिर्फ इस रीजन से नहीं आएंगे कि इंडिया का सिचुएशन उतना अच्छा नहीं है। बट वो भी कहीं ना कहीं उतना सेंस बनाते हैं, मैं मानता हूं। हाँ, इंडिया का सिचुएशन बिल्कुल एकदम टॉप क्लास नहीं है, बट इंडिया बहुत ही अच्छे से इंप्रूव हो रहा है करंट सिचुएशन से। एंड मेरे हिसाब से एक महीने के अंदर अगर कुछ बहुत गलत नहीं होता तो हर चीज सही हो जाएगा। सो ओके, अगेन प्लेयर का पर्सनल चॉइस है, उसको लेके मैं कुछ ज्यादा बोल नहीं सकता। बट देखते कि एफसी गोवा का स्ट्राइकर नेक्स्ट सीजन में कौन होता है। सुरक्षित ओवर सर्जियो लोबेरा की तरफ से। तो सर्जियो लोबेरा को एक और सिटी फुटबॉल ग्रुप के क्लब से ऑफर है, एंड उस क्लब का नाम है क्लब बोलिवर, एंड ये एक बोलिविया का क्लब है। एंड मुझे लगता नहीं कि सर्जियो लोबेरा मुंबई सी एफसी को छोड़ के जाएंगे। इसका जो मेन रीजन है वो ये है कि मुंबई सी एफसी नेक्स्ट सीजन एएफसी चैंपियंस लीग खेलेंगे, एंड वो एक बहुत ही ज्यादा बड़ा स्टेज होता है। एंड सिटी फुटबॉल ग्रुप को ये पता है कि एएफसी चैंपियंस लीग एक बहुत बड़ा स्टेज है एशियन फुटबॉल में, एंड एक इंडियन क्लब के लिए भी ये बहुत बड़ा स्टेज है। एंड वहां पे सर्जियो लोबेरा को अगर हम लोग हटा देते एक से टीम से तो टीम में इफेक्ट डेफिनेटली पड़ेगा। एंड इसी के कारण मुझे लगता नहीं कि सर्जियो लोबेरा मुंबई सी एफसी छोड़ के कोई दूसरे क्लब में जाएंगे। एंड एज बिकॉज ये भी एक सिटी फुटबॉल ग्रुप का ही क्लब है, तो मेरे हिसाब से चीजें अंदर ही अंदर सॉर्ट आउट हो जाएगा। एंड सर्जियो लोबेरा मेरे हिसाब से तो मुंबई सी एफसी में ही रहने वाले हैं। सुरक्षित तौर पर ईस्ट बंगाल की तरफ से। तो ईस्ट बंगाल एंड श्री सीमेंट अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो म्यूचुअली टर्मिनेट कर देंगे टू अवॉइड एनी लीगल प्रोसीडिंग्स। ऑफकोर्स कोई भी क्लब्स या फिर कंपनी लीगल वे में भी कोर्ट में नहीं जाना चाहते, क्योंकि वहां पे चीजें एक तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा एंड उतना टाइम करेंटली इन दोनों के पास नहीं है। एंड एज बिकॉज ईस्ट बंगाल को भी श्री सीमेंट के साथ नहीं करना, एंड श्री सीमेंट को भी उतना फर्क पड़ता नहीं है अभी, तो मेरे साथ इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट म्यूचुअली टर्मिनेट हो जाएगा। मतलब चांसेस तो वही है कि कॉन्ट्रैक्ट म्यूचुअली टर्मिनेट दोनों ही पार्टीज कर देंगे, एंड फिर ईस्ट बंगाल कुछ दूसरे स्पॉन्सर्स करेंटली ढूंढ रहे, देख रहे, एंड उनके साथ फिर से वो लोग बात करेंगे। एंड उम्मीद करते कि ईस्ट बंगाल का जो भी स्पॉन्सर उनके साथ उनका कोऑर्डिनेशन या फिर थिंकिंग मैच हो, क्योंकि इस बार ईस्ट बंगाल ने सिर्फ श्री सीमेंट के लिए बहुत ज्यादा सफर किया है। एंड करेंटली आज 12th ऑफ जून है, 9th ऑफ जून को ऑलरेडी ट्रांसफर मार्केट खुल चुका है, प्लेयर्स का साइनिंग बहुत तेजी से हो रहा है। एंड अगर जून महीना चला जाता है, जुलाई से अगर ईस्ट बंगाल शुरू करते हैं, तो अगेन नेक्स्ट सीजन की तरह ईस्ट बंगाल के हाथ में कुछ नहीं बचेगा। वही कुछ रिजर्व बेंच के प्लेयर्स को आपको मेन टीम में लाना पड़ेगा, उनको फर्स्ट 11 में मौका देना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट सीजन में तो सिर्फ 4 फॉरेन प्लेयर्स खेलेंगे, सो फॉरेन प्लेयर्स के ऊपर भी आप ज्यादा डिपेंड कर नहीं सकते। एंड ऐसे ऐसा फुटबॉल गेम एक दो मैचेस में ठीक है, कुछ फॉरेन प्लेयर्स बहुत अच्छा खेल देंगे, आपको मैच जिता के देंगे, बट हर मैच में सिर्फ 4 फॉरेन प्लेयर्स और एक दो इंडियन प्लेयर्स का परफॉर्मेंस होगा, ये सेंस नहीं बनाता। एक टीम का परफॉर्मेंस कभी उतना अच्छा हो नहीं सकता, एज अ टीम इन अ लीग आप कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते सिर्फ 4-5 प्लेयर्स के ऊपर डिपेंड करके, क्योंकि ऑफ कोर्स फुटबॉल एक 11 प्लेयर्स का गेम है एंड 11 प्लेयर्स को ही अपना 100% देना पड़ता है पिच में। सो उम्मीद करते ईस्ट बंगाल को अपना नया स्पॉन्सर जल्द से जल्द मिल जाए। सुरक्षित तौर पर केरला ब्लास्टर्स एफसी की तरफ से। तो लिटरली केरला ब्लास्टर्स एफसी ने हर एक फॉरेन प्लेयर के साथ पार्ट अवे कर लिया है, एंड विंसेंटे गोमेज, गैरी हुपर, जॉर्डन मरे, फकुंडो पेरिरा, बकारी कोने एंड कोस्ता नाउमोइनेसो, एंड सर्जियो सिडोंचा का कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी खत्म हो चुका है, तो उनको भी मैं बोल सकता हूँ कि हाँ वो भी केरला छोड़ चुके।
मतलब छोड़े तो नहीं है, बट उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है केरला के साथ, तो वो एक करेंटली फ्री एजेंट है। एंड इन सारे फॉरेन प्लेयर्स को निकाल दिया गया है, एंड मेरे हिसाब से केरला फिर से एक नया फ्रेश स्टार्ट करना चाहता है, एंड एक नया कोच भी उन्होंने अपॉइंट किया है। सो डेफिनेटली उम्मीद काफी हाई है कि नेक्स्ट सीजन केरला काफी अच्छे से करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे फॉरेन प्लेयर्स वो लोग साइन करेंगे। एंड ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है कि केरला फॉरेन प्लेयर्स के ऊपर कुछ ज्यादा ही डिपेंडेंट है रैदर देन इंडियन प्लेयर्स। उनके पास इंडियन प्लेयर्स में राहुल केपी, जैक्सन सिंह, साहल अब्दुल समाद जैसे कमाल के प्लेयर्स हैं, बट उनको कभी प्रॉपरली यूटिलाइज वो लोग नहीं कर पाते। साहल अब्दुल समाद को किसी भी पोजीशन में बैठा दिया जाता है, बट वो एक जेन्युइन सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्ड पोजीशन के प्लेयर, उनको लेफ्ट विंग, सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्ड, पता नहीं कहां कहां उनको खिलाया गया है। सो मेरे सबसे वो चीज सही करना काफी ज्यादा जरूरी है। राहुल केपी का परफॉर्मेंस अच्छा है, बट अकेला प्लेयर कितना ही एक टीम को खींचेगा। एंड जैक्सन सिंह के अंदर एक स्पिरिट है कि हाँ मैं कुछ करना चाहता हूँ, बट उसके लिए एक प्रॉपर कोच चाहिए जो कि उस चीज को प्रॉपरली निकाल पाए एंड एक प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाए जैक्सन सिंह के टैलेंट को। सो हाँ, ऐसा नहीं कि केरला के पास अच्छे प्लेयर्स नहीं है, केरला ने रिसेंटली कुछ बहुत ही कमाल के प्लेयर्स का साइनिंग किया है, एंड निशु कुमार जैसे प्लेयर्स उनके पास, हाँ थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर है, बट निशु कुमार नो डाउट बहुत अच्छे फुल बैक प्लेयर है। सो केरला के पास हाँ टैलेंट बहुत ज्यादा है, बट उनको प्रॉपरली यूटिलाइज करना पड़ेगा केरला को। एंड उम्मीद करते कि नेक्स्ट सीजन केरला का परफॉर्मेंस हीरो आईएसएल में अच्छा हो। नेक्स्ट इंटरनेशनल, तो इंटरनेशनल आज बार्सिलोना, तो बार्सिलोना ने उस्मान डिम्बेले को एक फाइनल अल्टीमेटम दे दिया है, मतलब बेसिकली अल्टीमेटम दे दिया, अल्टीमेटम मतलब ही फाइनल एक वार्निंग आप बोल सकते हो। एंड बार्सिलोना ने बोला है कि अगर उस्मान डिम्बेले बार्सिलोना के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं करते तो उनको वो लोग निकाल देंगे, बेसिकली ऐसा ही उन्होंने बोला है। सो आप ये अल्टीमेटम तो नहीं बोला जा सकता, बट एज बिकॉज सब अल्टीमेटम बोल रहे तो मैं भी अल्टीमेटम ही बोलूंगा। सो हाँ, ऐसा बोला है बार्सिलोना ने कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करते तो आपको टीम से निकाल दिया जाएगा इसी समर ट्रांसफर विंडो में। एंड ओके, अगेन सेंस भी बनाता है कि यार कुछ ना मिलने से कुछ मिलना ज्यादा अच्छा होता है, एंड 4 बिलियन रुपीज तो नहीं मिलेगा, एटलीस्ट 2 में ही हम लोग खुश हो जाएंगे। एंड अब उस्मान डिम्बेले के पास काफी अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि उस्मान डिम्बेले के ऊपर ऑलरेडी कुछ क्लब इंटरेस्टेड है, एंड मेरे हिसाब से वो इजिली कोई दूसरे क्लब में चले जाएंगे, क्योंकि रिसेंटली उस्मान डिम्बेले का परफॉर्मेंस बहुत खराब नहीं रहा है। एंड ऐसे अल्टीमेटम देने से चीजें थोड़ा सा खराब हो जाता है, क्योंकि प्लेयर को भी उतना अच्छा नहीं लगता कि यार क्लब मेरे से प्रॉपरली बिहेव नहीं कर रहा है। बट अगेन उस्मान डिम्बेले ने भी अभी तक अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं किया है, एंड बार्सिलोना के लिए काफी ज्यादा चिंता का बात है कि अभी तक उस्मान डिम्बेले ने कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं किया, इतना ज्यादा महंगा प्लेयर। सो देखते कि क्या उस्मान डिम्बेले बार्सिलोना छोड़ के कोई दूसरे क्लब में जाते नहीं। सुनिश्चित है रफाइल वरान की तरफ से, तो रफाइल वरान के पास सबसे पहले पीएसजी का ऑफर था, एंड अब चेल्सी का भी ऑफर है रफाइल वरान के पास। एंड रफाइल वरान के लिए इन दोनों क्लब्स का काफी एक क्लोज कॉम्पिटिशन होगा, क्योंकि दोनों ही क्लब्स के पास पैसा बहुत है एंड वो लोग खर्चा भी करना जानते अच्छे से। सो इसी के कारण कॉम्पिटिशन काफी ज्यादा क्लोज होगा, एंड ऑफकोर्स रफाइल वरान बहुत ही कमाल के प्लेयर है, नो डाउट वन ऑफ द फाइनेस्ट डिफेंडर्स में से एक काउंट वो हुआ करते थे। उनका करंट फॉर्म उतना अच्छा नहीं है, बट अगेन एक प्लेयर का लेगेसी हम लोग छीन नहीं सकते, एंड रफाइल वरान ने हम सबको बहुत बार इंप्रेस किया है। सो देखते कि रफाइल वरान अगर रियल मैड्रिड छोड़ते तो वो कौन से क्लब में जाते हैं। सो बात कर लेते कुछ दूसरे स्पोर्ट्स के बारे में, तो सबसे पहले बात कर लेते नीरज चोपड़ा के बारे में। तो नीरज चोपड़ा ने अपना इंटरनेशनल कमबैक तो नहीं बोलूंगा, बट बहुत टाइम बाद एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेला, एंड लिस्बन एथलेटिक्स सिटी में उन्होंने गोल्ड जीता, एंड उनका जो बेस्ट थ्रो था वो था 83.13 मीटर। जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने 83.13 मीटर का एक थ्रो किया जो कि बहुत ही अच्छा था मैं बोलूंगा, एंड ओलंपिक्स में वन ऑफ द बेस्ट कंटेंडर फ्रॉम इंडिया टू विन अ गोल्ड नीरज चोपड़ा है, एंड उम्मीद करते कि उनका परफॉर्मेंस ओलंपिक्स में भी बहुत ज्यादा अच्छा हो। सामने बात करते लॉन टेनिस के बारे में, सो नोवाक डिजोकोविक ने सेमीफाइनल में रफाइल नडाल को हरा दिया है, एंड एक बहुत ही ज्यादा क्लासिक टेनिस मैच, एंड बहुत ज्यादा अच्छा लगा ये मैच देख के। एंड रफाइल नडाल ने फर्स्ट सेट जीता था, बट उसके बाद नोवाक डिजोकोविक ने बहुत ही ज्यादा अच्छा कमबैक किया, एंड देखते कि क्या नोवाक डिजोकोविक फ्रेंच ओपन जीत पाते। सो बस गाइस, आज के इतना ही, एंड डेफिनेटली माइल वन सर्कल ऐप को चेकआउट करना मत भूलना, डिस्क्रिप्शन में पिंट कर आपको लिंक मिल जाएगा, एंड डाउनलोड कीजिए माइल वन सर्कल। सो बस गाइस, आज के इतना ही, अगर आपके वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, एंड बेल के साथ भूलेगा एंड कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मैं तब तक के लिए बाय।